फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है 4 न्यू मेडिकल कॉलेज के बारे में। 4 नई न्यू मेडिकल कॉलेज के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट जो है बढ़ने वाली। तो 500 MBBS की कुछ यहाँ पर पैरा मेडिकल की एंड नर्सिंग की भी जो सीट है वो यहाँ पर बढ़ने वाली। ऑलमोस्ट 70 से लेकर 75 ऑलमोस्ट सीट जो है नर्सिंग की रखी जाती हैं जो भी न्यू मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ओपन रहता है। और उसके साथ साथ MBBS के तो 500 सीट बढ़ ही जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जो है आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियाँ आने वाली हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कहाँ पर ये न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे, कब तक ओपन होने वाले हैं, क्या अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैं बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी जो नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, कॉलेज खोले जाएंगे, 500 यहाँ पर सीट बढ़ने वाली है। मंत्री ने इसके रिगार्डिंग बड़ी घोषणा कर दी है। तो नीट के एग्ज़ाम के को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी तनाव चल रहा है। नीट को पोस्टपोन करने के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो जल्दी ही इसके बारे में भी कोई अपडेट आ जाएगी तो मैं ज़रूर तुम्हें नोटिफाई करूँगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि 4 न्यू मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। और ये जो ओपन किए जाएंगे वो महोली, होशियारपुर, कपूरथला और मलेरकोटला में ओपन किए जाने वाले हैं। इन 4 जगहों पर जो है पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि नए जो है यहाँ पर 4 मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 500 सीट जो है इनक्रीज हो जाएंगी। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नर्सिंग की भी सीट जो है इंक्रीज हो जाने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। यहाँ पर कब अनाउंसमेंट की गई है वो जान लेते हैं। तो पंजाब के यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च OP ने बड़ा ऐलान कर दिया कि डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सिल्यास नगर के दौरान मंत्री ने बड़ी जानकारी दे दी है। अभी फ़िलहाल जो MBBS की सीट है वो पंजाब में 1400 सीट हैं और जो है इनको ये जो है अभी ओपन हो जाएंगे। जब इनकी यहाँ पर नंबर ऑफ ऐड हो जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो 1500 करोड़ वगैरह जो रुपए हैं इन पर लगाए जा चुके हैं। एंड इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर स्टाफ वगैरह की भी नियुक्ति हो चुकी है। तो हर कॉलेज में जो 80% स्टाफ जो है आ चुका है। पैरामेडिकल स्टाफ जो है अभी जो इनकी नियुक्ति जारी है, अभी जो है इनकी रिक्रूटमेंट निकल ही रही है। यहाँ पर जो न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं यहाँ पर जो है अभी रिक्रूटमेंट निकल रही है। एंड काफ़ी जो है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है इन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट वे से भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, बिकॉज न्यू स्टाफ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती रहेगी। एंड अलोंग विद दैट हर साल जो है स्टूडेंट्स को तो यहाँ पर एडमिशन मिलने ही मिलने वाला है। तो दोनों तरफ से खुशखबरी है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट थी, मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। तो पैरामेडिकल की स्टाफ जो अभी यहाँ पर नियुक्ति है वो जारी है, अभी तक बंद नहीं हुई है, वैकेंसी निकल ही जा रही है, अभी जो है चलती रहेंगी इन फ्यूचर भी। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर जो है कम से कम 500 सीट तो यहाँ पर MBBS की इंक्रीज हो जाएंगी, अलोंग विद 100% नर्सिंग की 75 सीट तुम हर कॉलेज में मानकर चल सकते हो। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट जो है काफ़ी अच्छी जो है नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएंगी। पैरामेडिकल भी आ सकता है तो इनके रिगार्डिंग भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो वीडियो तुम्हें कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।